सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे जंतु जगत से संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में हम लोगों ने उनकी जितने भी सिम्टम्स होते हैं, जितने लक्षण होते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में, उनको हम लोगों ने पढ़ा। उसके पश्चात आज हम देखेंगे आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों के बारे में। फर्स्ट है केकड़ा, जिसको बोलते हैं क्रेब। इसमें लक्षण क्या क्या उपस्थित है देखते हैं। यह क्या है, जलीय जंतु होता है, जो जल में कैसे रहता है, तलछटी में, मतलब जहाँ पे कम पानी होता है वहाँ पे ये रहता है। कौन? केकड़ा। इसका जो शरीर होता है वो सिफेलोथोरिक्स और उदर में विभाजित रहता है। सिफेलोथोरिक्स मतलब इसका जो बॉडी होता है, शरीर जो होता है वो कैसा होता है, बॉडी में दो भागों में विभाजित होता है। पहला होता है सिफेलोथोरिक्स और दूसरा होता है उदर। जो उदर होता है वो कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। सिफेलोथोरिक्स की जो चौड़ाई होती है वो लंबाई से ज़्यादा होती है। सिफेलोथोरिक्स की जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, लंबाई से ज़्यादा होती है। इसके सिर पर एक जोड़ा एंटेन्यूल्स और एक जोड़ा श्रृंगिका। श्रृंगिका को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीना। आप लोग समझेंगे एंटीना के माध्यम से, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इसके सर पर क्या पाया जाता है, एक जोड़ी एंटीन्यूल्स पाया जाता है और एक जोड़ी एंटीना पाई जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके सिर पे कंपाउंड आइज होता है। कंपाउंड आइज का मतलब होता है संयुक्त नेत्र, एक साथ जोड़े में स्थित नेत्र होता है। इसके वक्षीय उपांगों अपेंडिजेस में प्रथम जोड़ा जो होता है वो मैक्सिलिपीड स्किलेट और चार जोड़े प्रचलन पाद होते हैं। इसका वक्षीय उपांग वक्ष में जो होगा, मतलब छाती के साइड जो होगा उपांग, उसको अपेंडिजेस बोलते हैं उपांगों को, वो क्या होगा, उसका जो प्रथम जोड़ा होगा, फर्स्ट पेयर जो होगा वो मैक्सिलिपीड स्किलेट और चार जोड़े प्रचलन पाद होते हैं। वॉकिंग लेग्स होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं, गति करते हैं। कैसे, तो चार जोड़े प्रचलन पादों से। चार जोड़े का मतलब क्या होता है, इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 8 है। इसके उदर में प्लियोपोड्स अल्प विकसित यूरोपोड्स नहीं पाए जाते हैं। आगे हम लोग समझेंगे प्लियोपोड्स किसको बोलते हैं। प्लियोपोड्स के बाद जो आपका यूरोपोड्स होता है वो क्या होता है, है ना, इसमें क्या होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, कम मात्रा में विकसित होते हैं। इनमें जो श्वसन होता है वो क्लोम के माध्यम से होता है। केकड़ा कैसे दिखाई देता है आप लोगों ने सबने देखा होगा, लेकिन एक बार और हम लोग पिक्चर के माध्यम से देखते हैं, पिक्चर के थ्रू देखते हैं कि केकड़ा कैसे होता है। इसका सिफेलोथोरिक्स का मतलब होता है ये वाला भाग, ठीक है, जो मेन वाला जो हिस्सा होता है केकड़े का, जो बीच वाला मध्य वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सिफेलोथोरिक्स, ठीक है। ये है आपका एंटीना, यहाँ जो दिया हुआ रहता है आइस के पास, इसको बोलते हैं एंटीना। ये जैसा ये निकला हुआ दिख रहा है, ये है आपका एंटीना। ये है जोड़े में आपका आइस जो होता है। वॉकिंग लेग्स है 1 2 3 4 पेयर में है, चार जोड़े में है, मतलब इनकी संख्या है 8। क्लियर। ये एक होता है आपका क्ल्यू, डेक्टाइल, प्रोपोडस और कार्पस मेरस जो बोलते हैं आपका, ये है। एक जो होता है वॉकिंग लेग्स में, जो लास्ट वाला आपका जो एक जोड़ा होता है, एक पेयर होता है, उसको बोलते हैं स्विमिंग लेग्स, जिसकी मदद से वो पानी में भी, जो जल में भी गति कर सकता है। अगर केकड़े की वर्गीकीय स्थिति देखते हैं, वर्गीकरण देखते हैं, तो इसका जो जगत होता है वो होता है एनिमिलिया। उसके बाद आपका जगत के बाद आपका वर्ग होता है आर्थ्रोपोडा, है ना। वंश होता है क्रस्टेशिया और जाति होता है इसका डेकोपोडा। के मैजिस्टर नाम का, यह क्या होता है, के मैजिस्टर नाम का एक लिंगी होता है, जो जीवन वृत्त में जुइया नामक लार्वा अवस्था होती है। इसका जो लार्वा अवस्था है उसका नाम क्या होता है, जुइया, जिसके कायांतरण वयस्क का विकास होता है। जब इसमें रूपांतरण होता है या कायांतरण होता है, जब उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो इसका विकास कैसा होता है, वयस्क के रूप में होता है। केकड़े के पश्चात हम लोग दूसरा उदाहरण देखेंगे, बिच्छू, स्कॉर्पियन और पेलेमेनस, जिसका लक्षण क्या क्या है। ये जंगल में पत्थरों के नीचे, पुराने पेड़ों की छालों पर, चट्टानों की दरारों में पाया जाता है। ये भूमिगत होता है और रात्रिचर होता है। भूमिगत का मतलब क्या होता है, ये भूमि पर स्थल पर रहता है और रात्रिचर होता है, रात में निकलता है। इसका शरीर जो होता है वो लंबा होता है एवं प्रोजोमा होता है, लंबा होगा और ऐसा थोड़ा
इस टाइप का शेप होता है इसका, तथा ओपिस्थोसोमा में विभक्त रहता है। ओपिस्थोसोमा पुनः दो भागों में बटा होता है। हम लोग इसका अगर पिक्चर देखेंगे तो ये है हमारा पिक्चर इसका बिच्छू का, और इसमें एक है ये मेल है और ये है फीमेल बिच्छू। दो प्रकार के अलग अलग बिच्छू होते हैं, मेल होता है एक, एक फीमेल होता है ना, फीमेल होती है। और इसमें क्या होता है देखते हैं, इसका जो शरीर होता है वो प्रोसोमा होता है, लंबा होता है। दूसरा होता है ओपिस्थोसोमा में विभक्त रहता है, प्रोसोमा और ओपिस्थोसोमा में विभक्त रहता है इसका जो बॉडी होता है। तो जो ओपिस्थोसोमा होता है वो पुनः दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिसमें से मेसोसोमा होता है पहला, जो सात खंडों का होता है। मतलब ये जो सात खंड होते हैं इनमें, इसको क्या बोलते हैं, मेसोसोमा बोलते हैं, जो ओपिस्थोसोमा के भीतर आता है। पिछला होता है मेटासोमा, जो पीछा वाला भाग होता है उसको बोलते हैं मेटासोमा। मेटासोमा कैसा होता है, जो पांच खंडों का बटा होता है, पांच खंडों में बटा होता है ना। मेटास्टोमा को क्या बोलते हैं, पूछ भी कह सकते हैं, जो पूछ होता है ना उसको हम लोग मेटासोमा बोलते हैं, जो पांच खंडों से निर्मित होता है। इसके अंतिम सिरे पर एक क्या पाया जाता है, टेलसोन होता है। जो टेलसोन का अधर भाग होता है वो कैसा होता है, फूला हुआ होता है, जिसमें एक जोड़ी विष ग्रंथि होती है तथा दूरस्थ भाग में एक नुकीला स्पाइन होता है। जो इसका टेलसोन होता है, मतलब जो पूंछ वाला भाग होता है, वो क्या होता है, थोड़ा फूला हुआ होता है ना, फूल जाता है, और फूलने के बाद क्या होता है, इसमें एक जोड़ी विष ग्रंथि होती है तथा जो दूसरा भाग होता है नुकीला भाग वो क्या कहलाता है, स्पाइन कहलाता है। प्रोसोमा के पहले खंड पर एक जोड़ा क्या पाया जाता है, केलीसेरी, तथा दूसरे खंड पर मतलब जो प्रोसोमा पाया जाता है ऊपरी भाग जिसको बोल सकते हैं हम लोग, उस प्रोसोमा में क्या होता है, पहले खंड पर क्या पाया जाता है, एक जोड़ी कैलीसेरी पाया जाता है, और दूसरे खंड पर एक जोड़ा नखर पाया जाता है। नखर को क्या बोलते हैं, पेडिपेल्प बोलते हैं, और तीसरे से छठे खंड पर एक जोड़ा चलनपाद पाया जाता है। तीसरा सा जो छठा खंड होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है, वॉकिंग लेग्स होते हैं। मेसोसोमा के प्रथम खंड के अधर मध्य रेखा पर एक पाली होती है। मेसोसोमा का जो प्रथम खंड होता है उसमें क्या पाया जाता है, एक पाली होता है, इसे क्या बोलते हैं, जनन क्लोम छिद्र कहते हैं, जेनेटिकल ओप्यूक्युलम कहते हैं, जो जनन छिद्र को ढके रहता है, क्या करता है, जो जेनेटल ओपनिंग होता है, जनन क्लोम छंद जिसको बोलते हैं, सॉरी जनन छिद्र जो होता है उसको कौन ढके रहता है, जनन क्लोम छंद छद रहता है वो ढका होता है। मेसोसोमा के द्वितीय खंड में क्या होता है, स्टर्नम पर एक जोड़ा कंकालांग या पेक्टेन होता है। मेसोसोमा का जो दूसरा खंड होता है उसमें क्या होता है, द्वितीय खंड में स्टर्नम होता है ना, स्टर्नम पर एक जोड़ा कंकालांग या पेक्टेनम होता है। प्रोसोमा के शीर्ष पर क्या होता है, मुख तथा मेटोसोमा के अंतिम कट, जो अंतिम प्रोसोमा जो है हमारा ऊपरी भाग है, उसके बाद इस्थोसोमा जो है ना, उसमें जो खंड होते हैं उसका जो निचला भाग होता है वो क्या कहलाता है, पूंछ कहलाता है। तो जो प्रोसोमा होता है उसके मुख पर अधरीय भाग पर क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है। जो पिछला भाग होता है ना, मेटासोमा जिसको बोलते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, पूछ पाया जाता है, उसमें एक गुदा होता है, एनस होता है। निषेचन एवं भ्रूणीय परिवर्धन किसके द्वारा होता है, मादा के शरीर में होता है। निषेचन और भ्रूणीय परिवर्धन का कार्य कहाँ होता है, मादा की शरीर में। मादा जो होती है जरायुजी होती है, विविपेरस होती है, तथा एक बार में 2 से 3 दर्जन शिशुओं को जन्म दे देती है। निषेचन और भ्रूण परिवर्धन मतलब भ्रूण का निर्माण और बच्चों का निर्माण कहाँ पे होता है, मादा की बॉडी में होता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी मादा की बॉडी में होता है। देन उसके पश्चात जो बच्चों का जन्म होता है, तो उसमें एक बार में जो मादा बिच्छू होती है वो लगभग 1 दर्जन से 3 दर्जन तक के शिशुओं को जन्म दे सकती है। कॉप्यूलेशन के बाद क्या होता है, मादा जो प्रायः नर को मारकर खा जाती है। जब कॉप्यूलेशन की क्रिया होती है मादा बिच्छू में है ना, तो क्या करती है, वो अपने भूख को मिटाने के लिए अपने खाने के रूप में नर जो बिच्छू होता है उसको मार के खा जाती है। ये है आपका मेल और फीमेल बिच्छू का संरचना
है ना, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको इसके लक्षण जो है वो आसानी से याद हो जाएंगे। ये है देखो मेटासोमा और यहाँ पे है आपका प्रोसोमा, क्लियर। मेटासोमा में ये है मीजोसोमा, इसमें क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है, जैसे यहाँ मेब्रेन होता है, टेल्सोन होता है, ये नुकीला वाला जो भाग, ये फूला वाला भाग क्या कहलाता है, टेल्सोन कहलाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। उसके पश्चात जो नुकीला भाग निकला रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिंग, पूछ बोलते हैं ना। यहाँ लेटरल आइज होता है, यहाँ से जो ये दूसरे से छठे जो खंड में क्या होता है, वॉकिंग लेग्स पाया जाता है, दोनों में वैसा ही होगा, ठीक है। अगर इसका वर्गीकरण देखेंगे तो इसका जगत जो होता है, हमारा जो वर्गीकरण है इसमें क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे दिया गया है, लेकिन अगर हम लोग इसको देखेंगे स्पेसिफिक तो ये क्या होगा, जगत जो होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है ना, इसका जो जगत है वो आर्थ्रोपोडा है, संघ है एरिकनिडा, वर्ग है आपका स्कॉर्पियोनोडा, और उसके बाद है आपका गढ़ है आपका पेलोमिनियशिस, और वंश है आपका पेबेंगालेंसिस। ये है बिच्छू का वर्गीकरण जिसको आपको याद करना है। संघ है इकाइनोडर्मेटा, संघ आर्थ्रोपोडा के पश्चात हम लोग देखेंगे संघ इकाइनोडर्मेटा। संघ इकाइनोडर्मेटा में क्या है, इसका नाम किसने रखा था, इसका खोज किसने किया था, तो जैकोब क्लीन नामक वैज्ञानिक ने 1738 में क्या किया था, इन्होंने बताया था कि इकाइनोडर्मेटा नाम का भी कोई संघ है और इसमें जो जीव है उनको अलग से इकाइनोडर्मेटा संघ कहा था। इसको ल्यूकर्ट ने 1847 में फिर से इसमें क्या किया, स्तरीकरण किया, इसमें बढ़ावा दिया, जिसका इकाइनोडर्मेटा का अर्थ होता है स्किन, है ना, स्पाइंस और स्किन्स। इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइंस, मतलब जो नुकीला नुकीला जो भाग होता है जिसको सुई बोल सकते हैं, स्पिन्स जो बोलते हैं, है ना, दंसक जिसको बोलते हैं, और डर्मटोज स्किन, मतलब इनकी इन संघ में जो जंतु होते हैं उनके स्किन में क्या पाया जाता है, नुकीला भाग पाया जाता है। इसको बोल सकते हैं हिंदी में शूलमय त्वचा वाले जीव, क्या बोल सकते हैं, शूलमय त्वचा वाले जीव। इस संघ के अंतर्गत लगभग 5,500 जीवित जातियां आती हैं तथा लगभग 20,000 जातियां जो है विलुप्त हो चुकी हैं। अभी तक जीवित जो जो संख्या है इस संघ की वो कितनी है, 5,500, और लगभग 20,000 जो जातियां है इकाइनोडर्मेटा संघ की वो क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। इसमें द्विपार्श्वीय वास्तविक देह गुहा वाले उन जंतुओं को रखा जाता है जिनके शरीर के चारों तरफ दृढ़ एवं चिमट त्वचा में कैल्शियम युक्त अस्थिकाएं या कंटिकाएं स्थित होती है। द्विपार्श्वीय शरीर मतलब क्या होता है, जो दो भागों से कट करने पर, जो दो भागों से विभक्त करने पर सममित प्रदर्शित करती, सममिति प्रदर्शित करती है, उसको बोलते हैं द्विपार्श्व सममित। वास्तविक जो देह गुहा होते हैं उन जंतुओं को क्या बोला जाता है, वास्तविक देह गुहा वाले जंतुओं को रखा जाता है जिनके शरीर के चारों तरफ दृढ़ और चिमट त्वचा में कैल्शियम युक्त अस्थिकाएं या कंटिकाएं स्थित होती है। जो बॉडी होता है मतलब जो देह गुहा होता है इनका, जो शरीर होता है उनमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम, चिमट त्वचा, दृढ़ मतलब होता है मोटा, और चिमट जो थोड़ा थोड़ा सिकुड़ा हुआ त्वचा होता है वो पाया जाता है, और इसमें कैल्शियम की बनी हुई शूल पाए जाते हैं, स्पाइंस जो होते हैं वो स्थित होते हैं। इस संघ के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, तो इस संघ के प्रमुख लक्षण हैं, ये समुद्री तथा सिलोम युक्त जंतु होते हैं, ये समुद्र में भी पाए जाते हैं और सिलोम युक्त जंतु होते हैं। शरीर जो होता है वो कैसा होता है, उनका आकार जो होता है वो गोलाकार भी हो सकता है, नलाकार कर भी हो सकता है, तारे के समान भी दिखाई देता है ना, और ये कैसा होता है, त्रिस्तरीय होता है, तीन लेयरों से मिलकर बना होता है, त्रिस्तरीय मतलब तीन स्तरों से मिलकर बना होता है। पहला क्या क्या है, एक्टोडर्मिस, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, क्लियर। इसमें द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, द्विपार्श्व सममित मतलब आप समझते ही हैं स्टूडेंट्स की क्या होता है, द्विपार्श्व सममित जो दो तलों से, दो भागों से अगर कट करते हैं, काटते हैं, विभक्त करते हैं, तो ये क्या करती है, सममिति प्रदर्शित करती है। जो वयस्क में समानता पंचतई त्रिज्यत हो जाते हैं, जो वयस्क होते हैं मतलब जब बड़े हो जाते हैं, उनका जो मैच्योर्ड स्टेज आ जाता है उनकी लाइफ का, तो कैसा हो जाता है, पंचतई पेंटामेरस रेडियल हो जाते हैं। पांच भागों से कट करने पर क्या हो जाते हैं, पांच भागों से वो सममिति प्रदर्शित करते हैं। इनकी जो त्वचा होती है इनके नीचे चूनेदार प्लेट पाए जाते हैं, इनका जो ऊपरी लेयर होता है, ऊपरी भाग होता है बॉडी का, उनके नीचे में क्या पाया जाता है, अगर उनके स्किन को हटा देंगे तो चूने का बना हुआ प्लेट पाया जाता है, कैल्केरियस प्लेट, तथा कभी कभी त्वचा के ऊपर क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। ये अंतःकंकाल का निर्माण करते हैं,
शरीर में जो वास्तविक देह गुहा होती है जिसको ट्रू कॉलियम बोलते हैं पाया जाता है। देह गुहा से 3 अन्य तंत्रों का निर्माण होता है। इसका जो इसमें ट्रू देह गुहा पाया जाता है, सत्य देह गुहा पाया जाता है और इनके सत्य देह गुहा का तंत्रों का निर्माण होता है जिसको क्या बोलते हैं, जलवाहक तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें मैड्रिपोराइट नामक एक छिद्रयुक्त पट्टिका होती है। क्या होती है? मैड्रिपोराइट नामक क्या होती है, छिद्रयुक्त पट्टिका होती है जिससे जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इसमें क्या होता है, जलवाहक तंत्र होता है। जलवाहक तंत्र का मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है, ऐसा छिद्र होता है, इस छिद्र को क्या बोला जाता है, मैड्रिपोडाइट। किसमें? इनके जो शरीर होते हैं उसमें, है ना, उसमें क्या होता है, ये पट्टिका होती है जिससे जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है। फिर है हिमल तंत्र। हिमल तंत्र का मतलब, तथा तीसरा भाग है पेरिहिमल तंत्र। पहला भाग है आपका जलवाहक तंत्र, फिर है हिमल तंत्र, फिर है तीसरा आपका पेरिहिमल तंत्र। ठीक है, इसका जो देह गुहा है 3 भागों में बटा होता है। जो नलपाद होता है, ट्यूब फीट जो होता है जिसको बोलते हैं नलपाद, मतलब जहाँ पे पानी रहता है उस जगह को क्या बोलते हैं, ऐसे पैरों को क्या बोलते हैं, नलपाद होता है। और ये जो जलवाहक तंत्र से क्या होती है, जुड़ी रहती है, मतलब ऐसे देह गुहा में ऐसे छिद्र होते हैं, छिद्र पट्टिकाएं होती है जिसके माध्यम से शरीर के अंदर क्या पाया जाता है, पानी घुसता है, है ना, और ऐसे नलपाद के रूप में ये इससे अटैच होता है। इसका काम क्या होता है, प्रचलन, भोजन ग्रहण तथा श्वसन में खोखली भाग लेना। आहार नाल प्रायः कुंडलित होता है, मतलब इनका जो आहार नाल होता है इस प्रकार का कुंडलित होता है। उत्सर्जन अंग इसके बॉडी में नहीं पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, कम विकसित होता है। जो इनका स्केलेटन सिस्टम होता है ना, वो कैसा होता है, कम विकसित होता है। नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होते हैं, नर बॉडी अलग होगा और मादा बॉडी अलग होता है। इनमें लैंगिक प्रजनन होता है। इनमें प्रजनन किस प्रकार का होता है, तो लैंगिक प्रजनन होता है। इसमें क्या होता है, अंतःनिषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इनमें पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या होता है, यदि इनकी बॉडी में कहीं पे चोट लग जाती है ना, कहीं पे कुछ हो जाता है, घाव लग जाता है, आघात होता है, तो क्या करते हैं, ये पुनरुद्धभवन की क्षमता, मतलब अपनी बॉडी को स्वयं से भरने का क्षमता होता है। जीवन चक्र में 1 से शिशु अवस्था पाई जाती है जिसके रूपांतरण से वयस्क अवस्था का विकास होता है। पहले क्या होता है, शिशु अवस्था पाई जाती है, उसके बाद कैसा होता है, शिशु अवस्था से जब ये बड़ा होते जाएगा उसके पश्चात वयस्क अवस्था आ जाता है। इसका प्रारंभिक भ्रूणीय विकास जो होता है वो कशेरुकों से कुछ समानता प्रदर्शित करता है। इसका जो प्रारंभिक भ्रूणीय विकास, मतलब जब भ्रूण जो होता है और जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, तो जो भ्रूण की पहली वाली स्थिति होती है, मतलब फर्स्टली स्टेज होता है जब उसमें, तो उसका विकास जो होता है वो कशेरुकों से कुछ समानता प्रदर्शित करता है। इनके उदाहरण है, मतलब इकाइनोडर्मेटा सदस्य के उदाहरण है संघ के तारा मछली या एरोस्टिया एस्टेरियास, इकाइनस, एंटीडॉन, कुकुमेरिया आदि। पहला है तारा मछली, जिसका वर्ग की स्थिति देखते हैं इकाइनोडर्मेटा संघ में। पहला उदाहरण है आपका स्टारफिश, तारा मछली। जगत है आपका एनिमिलिया, संघ है आपका इकाइनोडर्मेटा, वर्ग है एस्टेरॉइडिया, गण है आपका फॉर्सिप्यूलाटा, वंश है एस्टेरियास और जाति है आपका एरुबेनस। तारा मछली का अगर लक्षण देखते हैं तो ये कैसा होता है, समुद्र छिछले समुद्र होते हैं उनमें पत्थरों चट्टानों या जो तल होता है, पत्थरों और चट्टानों के नीचे जो तल होता है, जहाँ पर मिट्टी होती है, वहाँ पर ये रेंगती हुई दिखाई देती है। इस जंतु की आकृति पंचकिरण युक्त तारों जैसी होती, किस प्रकार की होती, पंचकिरण, 5 नुकीले भागों से मिलकर बनी होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पंचकिरण युक्त तारों जैसी। त्वचा में कंटकों एवं पेडिसिलेरी से युक्त एक बाह्य कंकाल होता है। जो त्वचा होता है, जो इनकी बॉडी होती है, इनका जो बाह्य कंकाल होता है वो कैसा होता है, इनमें कंटक पाए जाते हैं, कांटा स्पाइन्स पाए जाते हैं, इसको पेडिसिलेरी कहते हैं। ठीक है, शरीर के केंद्र पर एक केंद्रीय डिस्क होता है। शरीर का जो केंद्र होता है, मतलब इसका जो मध्य भाग होगा, वहाँ पर क्या होगा, केंद्रीय डिस्क होगा, सेंट्रल डिस्क, जिससे क्या निकलती है, बाजुएं निकलती है। ये सेंट्रल डिस्क है, यहाँ से ये देखो पूरे बाजुएं निकली हुई हैं। इस प्रकार चपटे शरीर के उस तल को जो ऊपर की ओर रहता है, अपमुखीय तल, मतलब इस भाग को अपमुखीय तल बोलेंगे और इसके नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे, मुखीय तल बोलते हैं। ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, एब्रोस
अल सरफेस, एब्रोअल सरफेस, अपमुखीय भाग, और जो इसका विपरीत जो तल होता है उसको मुखीय भाग बोलेंगे, ओरल सरफेस। अब मुखीय तल के केंद्र में क्या होता है, गुदा होता है, मतलब ऊपरी भाग में क्या पाया जाएगा, गुदा पाया जाता है। इसके एक और बड़ा छिद्र छलनी जैसा होता है जिसको क्या बोलते हैं, मैड्रीपोराइट नामक ढक्कन से ढका होता है। एक जो बड़ा छिद्र होता है उसको क्या ढका होता है, मैड्रीपोराइट नामक ढक्कन से ढका होता है। जो मुख्य तल होता है वो केंद्र में मुख रहता है, उसके केंद्र में मतलब जो नीचे वाला ओरल सरफेस होता है वहाँ पे क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है ना। यह पंचभुजीय छिद्र होता है, मुख के पांचों कोणों में एक खाई निकलती है जो प्रत्येक बाहु के सिरों तक जाती है। जो क्या बोलते हैं, आपका मुख का जो तल होता है उसके केंद्र, मुख के पांचों कोण जो होते हैं मतलब जो पांच बाजुएं होती हैं उसमें एक खाई निकलती है जो प्रत्येक बाहु के सिरे तक जाती है। इन खाइयों को क्या बोलते हैं, एम्बुलेक्रल ग्रूव कहते हैं। प्रत्येक ग्रूव के दोनों किनारों पर द्विक पंक्तियों में नल पाद होते हैं। मतलब देखो, ये अगर ये एक भाग है ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है, ये है आपका एक भुजा जिसमें क्या पाया जाता है, एक गुहा पाई जाती, खाई पाई जाती, खाच बोल सकते हैं इसको आप, ग्रूव, जिसको क्या बोलते हैं, एम्बुलेक्रल ग्रूव बोलते हैं। इसके दोनों किनारों पर क्या पाई जाती है, एक एक पंक्ति नलपाद की, मतलब इस स्थान पर क्या होता है, नलपाद होता है, जो क्या करते हैं, प्रचलन का कार्य करते हैं, है ना। वो जो खाई होती है उनमें जो नलपाद होते हैं एक एक पंक्तिवत, वो क्या करते हैं, प्रचलन का कार्य करते हैं। जो पाचन नाल होता है मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सामान्यतः पूर्ण होता है, लेकिन ब्रिटल सटार में यह अपूर्ण होता है। ब्रिटल सटार नामक जो जीव होता है उसमें ये क्या होता है, अपूर्ण होता है, और इसमें पाचन नाल जो होता है पूर्ण होता है। किसमें, स्टारफिश में। जो परिवहन तंत्र होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कैसे होते हैं, हासित तथा खुले प्रकार का होते हैं। इसे हिमल तंत्र भी कहा जा सकता है। रक्त में श्वसन वर्णकों का अभाव होता है, जैसे हमारी बॉडी में रक्त में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है जो हमारे श्वसन का कार्य के लिए उपयोगी होती है। इसमें क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन स्टारफिश जो होता है, तारा मछली जो होती है, उसका रक्त जो होता है, रक्त सिस्टम जो होता है मतलब रक्त तंत्र जो होता है जिसको परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, वो क्या होता है, या तो खुला होता है या शासित होता है। जिसको हिमल तंत्र भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, श्वसन वर्णकों का अभाव होता है। हृदय अथवा रक्त को पंप करने वाले अंग नहीं पाए जाते हैं। गैसों में परिवहन का कार्य परिवहन तंत्र का महज होता है। स्टारफिश जो होता है उसमें उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है। गलफड़ों, श्वसनी वृक्ष एवं ट्यूब फिट के द्वारा नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ बाहर कर दिए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो एक नर्व रिंग एवं अरीय तंत्रिका रज्जू से मिलकर बना होता है। मस्तिष्क का अभाव होता है एवं संवेदी अंग जो होते हैं वो सरलतम होते हैं। इसका जो तंत्रिका रज्जू होता है वो किससे मिलकर बना होता है, मतलब जो तंत्रिका में नर्व रिंग होता है तंत्रिका तंत्र में, वो क्या होता है, अरीय तंत्रिका रज्जू से मिलकर बना होता है। अरीय मतलब होता है मुड़ा हुआ, रेडिकल, है ना। मस्तिष्क का अभाव होता है, जो स्टारफिश होती हैं है ना उसमें मस्तिष्क का अभाव होता है। जो संवेदी अंग होते हैं वो सरलतम होते हैं, मतलब जो हम लोग उसके टच करेंगे तो उसमें क्या होगा, सरल प्रकार का संवेदी अंग पाया जाता है। नर और मादा जो होती हैं स्टारफिश में वो अलग अलग होते हैं, है ना। उसकी जो बाह्य त्वचा की, जो उनका जो बाह्य स्वरूप होता है, बाह्य त्वचा जो होती है उनकी आकृति एक जैसी होती है ना, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, कॉपुलेशन की क्रिया नहीं होती। यह एकलिंगी होता है, मतलब एक जो बॉडी होता है, एक जो स्टारफिश होती है उसमें एक ही प्रकार का लिंग उपस्थित होता है। निषेचन एवं भ्रूणीय परिवर्धन समुद्री जल में होता है। निषेचन की क्रिया और जो भ्रूणीय परिवर्धन मतलब जो भ्रूणीय विकास की क्रिया होती है वो किस में होता है, समुद्र के जल में होता है। जो जीवन होता है वो तीन प्रकार की अवस्था में बटा होता है, जैसे श्रीसूप्रावस्थाएँ, इनमें कायांतरण होता है, और पुनरुद्ध भवन की जो होती है क्रिया वो अत्यधिक होती है। तारा मछली जो होता है वो बाइपिनेरिया ब्रिंटल स्टार में, ऑफ्यूलिप्यूटियस सी अर्चिन में इसका
में इकाइनोप्लियोटियस लार्वा पाया जाता है। तारा मछली में किस प्रकार की लार्वा अवस्था होती है, कौन कौन से लार्वा होती है, तो बाइपिनेरिया होती है ना। तारा मछली में किस प्रकार की लार्वा अवस्था होती है, बाइपिनेरिया। ब्रिटल स्टार में किस प्रकार की होती है, ऑफियोप्लियोटियस। एवं सी आर्चिन में इकाइनोप्लियोटियस नामक क्या होता है, लार्वा अवस्था मौजूद होता है। ये है आपका स्टारफिश का डायग्राम, जिसको आप लोग को देख के प्रैक्टिस करना है। फिर है समुद्री खीरा, सी चुकुम्बर या कुकुमेरिया बोलते हैं। इसके लक्षण क्या क्या है, इकाइनोडर्मेटा समूह का पहला उदाहरण था हमारा स्टारफिश, है ना। स्टारफिश के पश्चात हम लोग देखेंगे समुद्री खीरा। इस समुद्री जंतु का जो पश्च भाग होता है वो रेत में धंसा हुआ होता है, और जो अग्र भाग होता है मतलब आगे का जो भाग होता है वो रेत से बाहर निकला रहता है। इनका जो शरीर होता है वो भुजाएं विहीन, मतलब इनका जो बॉडी होता है वो भुजा, उनमें भुजा नहीं पाई जाती है, बेलनाकार होता है और लंबा होता है। शरीर पर अग्र भाग में क्या पाया जाता है, मुख उपस्थित होता है, और पश्च भाग जो होता है उसमें गुदा होता है। मुख के चारों तरफ शाखित स्पर्शकों द्वारा बनाए गए ताज से घिरा रहता है ना। जो क्या बोलते हैं इसका, जो देखो इस प्रकार का दिखाई देता है, ये हो गया इसका आपका पश्च भाग, ये हो गया आपका अग्र भाग। इसमें क्या पाया जाता है, मुख होता है ना। पश्च भाग में क्या पाया जाता है, एनस होता है। इसका जो मुख भाग होता है मतलब अग्र भाग होता है, इस प्रकार का स्पर्शक टेंटिकल्स उपस्थित होते हैं। शरीर की जो बाह्य सतह होती है वो एकांतर रूप से एम्बुलेक्रल क्षेत्र एवं इंटर एम्बुलेक्रल क्षेत्र पाए जाते हैं। इंटर एम्बुलेक्रल क्षेत्र, शरीर का जो बाहरी सतह होता है मतलब ये जो बाहरी वाला भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है, एम्बुलेक्रल क्षेत्र होता है एवं इंटर एम्बुलेक्रल क्षेत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक एम्बुलेक्रल क्षेत्र में दो कतारों में क्या पाई जाती है, ये जो भाग होता है इसमें दो कतारों में नल पार्ट ट्यूब फिट उपस्थित होते हैं। आपका इस प्रकार का दिखाई देता है समुद्री खीरा। फिर है संघ एक आर्थोपोडा के पश्चात इकाइनोडर्मेटा पढ़े। इकाइनोडर्मेटा के पश्चात हम लोग देखेंगे हेमिकॉर्डेटा। संघ हेमिकॉर्डेटा को अर्धकॉर्डेटा भी बोलते हैं। अर्धकॉर्डेटा क्यों बोला जाता है ये देखते हैं। ये पहले कॉर्बेटा या प्रोटोकॉर्डेटा संघ के उपसंघ की भांति जाना जाता था। मतलब कॉर्बेटा, जब पहले कॉर्बेटा संघ था, कॉर्डेटा संघ था, उसमें ये जो हेमिकॉर्डेटा था इसको उपकॉर्डेटा बोला जाता था, मतलब उसका प्राइमरी स्टेज। परंतु अब ये अकशेरुक प्राणियों का एक स्वतंत्र संघ है। इसमें अकशेरुक प्राणियों को रखा जाता है इसमें, किसमें, हेमिकॉर्डेटा में, जो कोटा का निकटवर्ती है। हेमिकॉर्डेटा वंश में कोमल समुद्रवासी तथा आदिकालीन प्राणी जो है सम्मिलित है, जिन्हें क्या बोला जाता है, जिह्वा कृमि, टंग वॉर्म या फिर एकॉर्न कृमि, है ना, कहा जाता है। इसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं देखते हैं। शरीर जो होता है वो अखंडित होता है, मतलब खंडों में नहीं बटा होता है, कोमल होता है, क्रीमी के जैसा पतला होता है। यह तीन भागों, झुंड, कॉलर एवं चढ़ से मिलकर बना होता है। इसका जो बॉडी होता है मतलब इसका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, कोमल होता है, अखंडित होता है, इसमें खंड नहीं होते हैं, क्रीमी के जैसा दिखाई देता है। और इनका जो बॉडी होता है मतलब इनका जो शरीर होता है वो तीन भाग, झुंड जिसको प्रोबोबिस बोलते हैं, फिर है कॉलर और ट्रंक चढ़ जिसको बोलते हैं, उससे मिलकर बना होता है। इनका जो शरीर है द्विपार्श्व सम्मिति तथा त्रिस्तरी होता है, दो तलों से काट के देखने पर सम्मिति प्रदर्शित करता है, और त्रिस्तरी मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होता है, तथा जो अंग तंत्र का स्तर होता है, अंग तंत्र होते हैं वो संगठन के रूप में विकसित होते हैं और पाए जाते हैं। प्रचलन अंगों का अभाव होता है। कॉलर में स्पर्शक युक्त भुजाएं होती है, जो कॉलर होता है उसमें क्या होता है, इनका जो शरीर होता है तीन भागों में बटा होता है, हमको पहले ही पता चल गया। तो जो कॉलर वाला भाग होता है, पहला होता है प्रोबोबिस, दूसरा होता है कॉलर, तो जो कॉलर होता है उसमें स्पर्शक युक्त भुजाएं हो सकती हैं। जो बॉडी वॉल होता है, देह भित्ति होता है, वो एपिडर्मिस एवं चिकनी लंबवत पेशियों से बने होते हैं। एपिडर्मिस एवं चिकनी लंबवत पेशियों से बने होते हैं। आहार नल कैसा होता है, पूर्ण होता है, और सुंड में बोलन आउटग्रोथ के रूप में
मुख्य अंग नाल पाया जाता है। श्वसन जो होता है, श्वसन गिल छिद्रों की एवं शरीर की बाह्य सतहों के द्वारा होते हैं। इसमें जो श्वसन की क्रिया होती है हेमिकॉर्डेटस में संघ के जीवों में, हेमिकॉर्डेटस संघ के जीवों में किस प्रकार का श्वसन होता है, गिल के माध्यम से होता है या फिर उनका जो शरीर का बाह्य स्तर होता है उनके माध्यमों से होता है। परिवहन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, तो एक पृष्ठी हृदय तथा दो लंबवत पृष्ठ एवं अधर वाहिनियों से बना होता है। एक पृष्ठ हृदय, इनके बॉडी में हेमिकॉर्डेटस संघ के जीवों के बॉडी में पृष्ठ हृदय तथा दो लंबवत पृष्ठ एवं अधर वाहिनियों से बना होता है। दोनों वाहिनियाँ जो होती हैं वो एक दूसरे से छोटी होती हैं और पार्श्व वाहिनियों एवं साइनसों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। जो रक्त होता है वो कणिकाविहीन या कणिका, जो रक्त होता है वो कणिकाविहीन होता है, मतलब इसमें कण नहीं पाए जाते हैं, और जो क्या होता है रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस होता है। तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो तंत्रिका कोशिकाओं एवं गुच्छों एवं तंत्रिका तंतुओं का बना होता है। उत्सर्जन तंत्र कैसे होते हैं, सूंड उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं और इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, तो सूंड ग्रंथि होती है जिसको क्या बोलते हैं प्रोबोबिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस पाया जाता है, या कहाँ पाया जाता है सूंड में पाया जाता है, मतलब प्रोबोबिस में पाया जाता है और रक्त वाहिनियों से जुड़ा होता है। जो लिंग होता है वो पृथक होता है, जो एक ही जीव में जनक एकल अथवा कई जोड़ियों तथा निषेचन बाह्य मतलब कई जोड़ियों में पाया जाता है। इनका जो लिंग होता है वो एक लिंग ही होता है, मतलब अलग अलग होता है, और एक ही जीव में कैसे पाया जाता है गोनट्स के रूप में या एकल भी पाया जाता है या फिर जोड़ियों के रूप में भी पाया जाता है। और इसमें फर्टिलाइजेशन जो होती है हेमिकॉर्डेटा संघ के जंतुओं में वो कैसा होता है, तो बाह्य और आंतरिक दोनों हो सकता है। जो डेवलपमेंट होता है, परिवर्धन जो होता है वो कैसा होता है, अपरोक्ष होता है, है ना। इनमें स्वतंत्र प्लावी टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है, इसमें पहले लार्वा अवस्था पाया जाता है, तो जो लार्वा अवस्था होता है उसको क्या बोलते हैं प्लावी टॉर्नेरिया अवस्था बोलते हैं। इस संघ के सभी जो जीव होते हैं वो कहाँ होते हैं, समुद्री होते हैं, एकल होते हैं और धीमी गति से रेंगने वाले होते हैं। ये सूक्ष्म जीवों की छनन विधि द्वारा भक्षण करते हैं। जो सूक्ष्म जीवों में छनन होता है उसको ये क्या करते हैं, अपना भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। आज पर्यंत हेमिकॉर्डेटस की लगभग कितनी जातियाँ ज्ञात है, तो लगभग 90 जातियाँ आज तक ज्ञात है। संघ हेमिकॉर्डेटा के उदाहरण जिह्वा क्रिमी या बेलेनोग्लासिस, ये कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। जो समुद्र का जो तल होता है उसमें बिल में ये रहते हैं। इनका जो बिल होता है वो किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का मुड़ा हुआ रहता है इनका जो बिल, ये है आपका समुद्र, इसमें तल में पाया जाता है। छिछले समुद्र की सतह पर मौजूद कार्बनिक अवशेषों से ये पोषण प्राप्त करते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं समुद्र के तलों में उनसे ये क्या कहते हैं हेमिकॉर्डेटस में जो पहला सदस्य है, पहला उदाहरण है आपका जिह्वा क्रिमी टंग वर्म बोलते हैं जिसको, या फिर बोलते हैं बेलेनोग्लासिस, ये कहाँ से ग्रहण करते हैं भोजन कार्बनिक पदार्थों से। इसमें धीमी गति से रेंग कर प्रचलन करने की प्रक्रिया होती है। इनके जो धड़ होते हैं मतलब ऊपरी भाग जो होता है वो अग्रभाग में ग्रसनी के पृष्ठ पार्श्व भाग पर श्वसन के लिए क्लोम छिद्रों की कतारें होती हैं। जो आहार नाल होता है वो कैसा होता है, सीधी होती है तथा मुख एवं गुदा के विपरीत सिरों पर स्थित होती है। मतलब अगर इस प्रकार का है सदस्य तो ये यहाँ पे मुख होगा और ये आहार नाल जो सीधा होगा और पश्च भाग में जो होगा वो एनस होता है। ये एक लिंगी प्राणी है, मतलब एक बॉडी में एक ही प्रकार का जनन होगा, जैसे अगर एक मेल है तो मेल ही होगा, दूसरा जो है फीमेल है तो फीमेल ही होगा। इनमें थैलेनुमा अनेक जनत पाए जाते हैं, गोनट्स जो होते हैं वो थैलेनुमा संरचना में होते हैं। जो इनमें डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। और जीवन चक्र में किस प्रकार का लार्वा स्टेज होता है, तो प्लावी टॉर्नेरिया प्रकार का लार्वा स्टेज आपका होता है। अन्य उदाहरण आपका सिफिलोडिस्कस, रेबडोप्लूरा आदि इस प्रकार का दिखाई देता है। जिह्वा क्रिमी, ये जीभ की भांति दिखाई दे रहा है, सीधा होता है आहार नाल जिसमें, इसको बोलते हैं आपका एनस, यहाँ पे होगा मुख माउथ जिसको बोलेंगे, बाकी भागों को आप देख सकते हैं। ये है आपका प्रोबिस भाग, ये है आपका कॉलर भाग, फिर ये है आपका पैथोलिक रीजन, हिपेटिक रीजन, हिपेटिक कोका, मिडरोलर रिज, इस प्रकार का दिखाई देता है।
अब सबसे जो व्यवस्थित अंग है उसको क्या बोला जाता है, कॉर्डेटा, उसके बारे में बात करेंगे हेमिकॉर्डेटा के बाद। हम लोगों ने आज क्या देखा, पहले आर्थ्रोपोडा देखा, फिर इकाइनोडर्मेटा देखा, इकाइनोडर्मेटा के बाद हम लोगों ने क्या देखा, हेमिकॉर्डेटा देखा, और हेमिकॉर्डेटा के पश्चात हम लोग आज पढ़ेंगे अभी कॉर्डेटा, संघ कॉर्डेटा। इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो बेलफोर नामक वैज्ञानिक को जाता है। इसके अंतर्गत लगभग 1,002,000 जातियाँ आती हैं। कितनी जातियाँ आती हैं, तो लगभग 1,002,000 जातियाँ इसके सदस्य हैं, इनके सदस्यों की संख्या है। इस संघ के जो सदस्य होते हैं वो तीनों स्थानों पर पाए जाते हैं। तीनों स्थानों का मतलब क्या होता है, जल में भी हो सकते हैं, स्थल में भी हो सकते हैं, और वायु में भी पाए जाते हैं। इनमें त्रिस्तरीय सिलोमिक जंतु होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, इनका जो बॉडी होता है तीन लेयरों से मिलकर बना होता है, तीन स्तरों से मिलकर बना होता है। इसके पृष्ठभाग में एक दृढ़ छड़ आकार की कंकाल पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, मेरुदंड। किसी किसी में पूरे जीवन पर्यंत पाया जाता है और किसी किसी के भ्रूण अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जरूरी है कि इस संघ के जो सारे सदस्य हैं उनमें मेरुदंड उपस्थित होगा। और पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु का होना इनकी विशेषताएं हैं, पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु, ठीक है। ये क्या है, आगे पढ़ेंगे। प्रमुख लक्षण है क्या क्या देखते हैं, नोटोकार्ड, ये देखो संघ कॉर्डेटा जो है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। संघ कॉर्डेटा से इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे वो खाली स्थान हो, चाहे आपका सही जोड़ी हो, चाहे सत्य असत्य हो, या आपके दो नंबर, एक नंबर, तीन नंबर, पाँच नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, छः नंबर वाले, उसमें संघ कॉर्डेटा से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो संघ कॉर्डेटा को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, और संघ कॉर्डेटा के क्वेश्चन जो है आपके आगे नीट के एग्जाम में फिर, या फिर और अन्य जो एग्जाम्स होते हैं इसके आगे, हमारे 11th 12th के आगे, उसमें भी आसानी से पूछे जाते हैं। तो नोटोकार्ड या पृष्ठ रज्जु जो होता है ना, उपस्थित होता है। ये क्या होता है देखते हैं, ये एक लंबी लचीली छड़ के समान रचना होती है, जो कि मेरु रज्जु एवं आहार नाल के बीच शरीर के, हम लोग का जो आहार नाल है फिर, या फिर जो मेरु रज्जु है उसके बीच में लंबी पतली छड़ लचीले छड़ के संरचना उपस्थित होती है। शरीर के जो मध्य पृष्ठ रेखा में एक ठोस अक्षीय अंतःकंकाल होती है, यह कुछ जीवों में जीवन पर्यंत होती है, मतलब भ्रूणीय अवस्था से लेकर मृत्यु तक की अवस्था में पाई जाती है, और कई जीवों में किस प्रकार की होती है, केवल भ्रूणीय अवस्था में ही होती है। वयस्क में स्थिर स्थान पर क्या हो जाता है, मेरु रज्जु के चारों ओर कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है। जब कुछ जीव जो होते हैं उनके क्या होते हैं, उनमें वयस्क अवस्था आता है, तो जो मेरु रज्जु होता है उसके चारों ओर क्या हो जाता है, कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। दूसरा है पृष्ठनाल व केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नोटोकार्ड के पृष्ठ भाग पर इसकी पृष्ठनाल व केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ड्रोसो ट्यूब्युलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या बोल सकते हैं, इसमें नर्वस सिस्टम होता है, जो किस प्रकार का होता है, तो ड्रोसो ट्यूबुलर नर्वस सेंट्रल नर्वस होता है, ठीक है। ये नोटोकार्ड के पृष्ठ भाग पर, जहाँ पे नोटोकार्ड होता है उसके पीछे वाले भाग, मतलब पृष्ठ भाग पर एक गुहा नलिकाकार तंत्रिका रज्जु होती है, गुहे के रूप में नलिकाकार तंत्रिका रज्जु होती है। इसकी जो गुहा होती है न्यूरोसील कहलाती है। कहाँ पे होता है, नोटोकार्ड के पृष्ठ भाग पे होता है, गुहे के समान होता है, जिसको तंत्रिका रज्जु बोलते हैं, और इसकी जो गुहा होती है उसको क्या बोला जाता है, न्यूरोसील बोला जाता है। ज़्यादातर कॉर्डेटस में यह सिर में मस्तिष्क में बन जाती है। शेष भाग जो है वो रीढ़ रज्जु, मेरु रज्जु या सुषुम्ना स्पाइनल, जिसको बोलते हैं सुषुम्ना, है ना, होती है, दोनों से मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है। क्या निर्मित होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जहाँ से जितने भी तंत्र होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ग्रसनी की क्लोम दरारें, तीसरा लक्षण है आपका फेरेंजियल गिल क्लिफ्ट्स। कॉर्डेट्स के जीवन में किसी न किसी अवस्था में फेरिंग्स या ग्रसनी की दीवारों में क्या पाया जाता है, जो ग्रसनी की दीवारें होती हैं उनके पार्श्वों में एक जोड़ी क्लोम दरारें बनती हैं, जिसे ग्रसनी की गुहा क्या होती है,
बाहर खुलती है जीवन के किसी ना किसी अवस्था में, समस्त कॉर्डेटास में, अर्थात समस्त कॉर्डेटा में जितने भी जीव आते हैं उनके जीवन के किसी ना किसी अवस्था में क्या होता है, उनकी जो ग्रसनी होती है, फेरिंग्स होती है, उनमें क्या पाई जाती है, उनके पार्श्व में क्लोम पाई जाती है, दरारें पाई जाती है जो गुहा के ओर से बाहर खुलती है। भ्रूणीय अवस्था में या बाह्य चर्म के अंदर धंसने तथा ग्रसनी के बाहर की ओर उभरने एवं दोनों के समेकन से बनती है। भ्रूणी जो अवस्था होता है उसमें यह क्या होता है, बाह्य चर्म के अंदर धंसने से भ्रूण जो होता है ना उसका जो बाह्य स्तर होता है और बाह्य चर्म होता है उसके अंदर धंसने तथा ग्रसनी के बाहर जो ओर उभरने से दोनों के समेकन से बनती है। जलीय कॉर्डेटस में जो दरारें होती है वो प्रायः आजीवन रहती है तथा श्वसन में भाग लेती हैं, परंतु जो स्थलीय कॉर्डेटस होते हैं वो वयस्क अवस्था में आने पर बंद हो जाती हैं। इनमें उपयुक्त 3 लक्षण महत्वपूर्ण है। इसमें अतिरिक्त तो कुछ लक्षण हैं जो कॉर्डेटस के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये क्या है, 3 महत्वपूर्ण लक्षण है। उसके पश्चात है आपके अलग अलग प्रकार के लक्षण देखते हैं। देवगुहा के अधर भाग में हृदय उपस्थित होता है। अधर भाग में मतलब क्या होता है, सिर से नीचे और उधर से ऊपर हृदय स्थित होता है जो कि क्या होता है, कफ पेशी युक्त होता है। कॉर्डेटा के रक्त जो होते हैं वो लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। कॉर्डेटा संघ के जितने भी सदस्य होते हैं उनका ब्लड कैसा होता है, उनका जो रक्त होता है वो लाल कलर का होता है और उसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक उपस्थित होता है। इनमें पृष्ठ में रुधिर वाहिनी में रक्त आगे से पीछे की ओर तथा प्रमुख से उधर से रुधिर वाहिनी में पीछे से आगे की ओर बहता है। आहार नाल से रुधिर लाने वाली सीरा जो होती है वो हृदय में ना जाकर कहाँ चली जाती है, लीवर में चली जाती है और फिर से केशिकाओं कैपिलरिस में बढ़ जाती है। इस विशेष प्रकार के परिसंचरण तंत्र को क्या बोलते हैं, यकृत निवाहिका तंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसमें पश्च गुदा पुच पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। पश्च भाग में मतलब पीछे की ओर क्या पाया जाता है, गुदा के पास में टेल पाया जाता है, पूछ पाया जाता है। सभी जो कॉर्डेटस होते हैं उनके गुदा में पुच्छ या पृष्ठ रज्जु कशेरुक दंड रक्त वाहिनियाँ पृष्ठ तंत्रिका रज्जु और पेशियाँ पाई जाती हैं। इनका जो पश्च भाग होता है गुदा के पास अर्थात एनस के पास वो क्या होता है, पूछ के वाहिनियाँ होती है, रक्त वाहिनियाँ होती है, पृष्ठ तंत्रिका रज्जु होता है और पेशियाँ भी उपस्थित होती है। इनमें अस्थि एवं उपास्थि दोनों का बना अंतः कंकाल पाया जाता है। जो कॉर्डेटा संघ के सदस्य हैं उनमें कंकाल तंत्र पूर्ण रूप से मतलब मैच्योर्ड रूप से परिपक्व अवस्था में प्रेजेंट होता है। ये कैसे बना होता है, तो अस्थि से, बोन से और कॉर्टिलेज से, है ना, जिसको उपास्थि बोलते हैं। इनमें जो उत्सर्जन होता है वो किसके माध्यम से होता है, किडनी के माध्यम से होता है। ये एक लिंगी होते हैं, मतलब एक जीव के शरीर में एक ही प्रकार का लिंग उपस्थित होगा, अथवा वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है। निषेचन एवं भ्रूणीय परिवर्धन मादा के शरीर में या फिर बाहर होता है। जो निषेचन की क्रिया होती है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया, मतलब निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, उसके पश्चात जो भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण में परिवर्धन होता है वो किस में होता है, मादा के शरीर में होता है या फिर मादा के शरीर से बाहर होता है। आप देखते हैं नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा जो है संघ उसमें अंतर क्या होता है। नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड का अभाव होता है, जबकि इनके जीवन के किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। नर्व कॉर्ड ठोस होती है एवं शरीर के मध्य अधर तल पर स्थित होती है। इसका जो नर्व कॉर्ड होता है वो खोखली होता है तथा मध्य पृष्ठ तल पर स्थित होता है। नॉन कॉर्डेटा में क्या होता है, जो क्लोम में दरारी होती है ग्रसनी में वो नहीं होती है, जबकि कॉर्डेटा संघ के जीवों में जो ग्रसनी होता है वो किसी न किसी अवस्था में मतलब क्या करता है, क्लोम के दरारे दिखाता है, शो करता है। हृदय जो होता है पृष्ठ तल पर पाया जाता है पिछले भाग में नॉन कॉर्डेटा में, और कॉर्डेटा में क्या होता है, अधर तल पर पाया जाता है। नॉन कॉर्डेटा में क्या होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है तथा हीमोग्लोबिन है तो रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें लाल रुधिर कणिकाएं भी होती है और हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। यकृत निवाहिका तंत्र का अभाव होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कॉर्डेटा में यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। नॉन कॉर्डेटा में जो गुदा के पास पुच्छ होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, जबकि कॉर्डेटा में क्या होते हैं, गुदा के पीछे ठोस पेशीय पुच्छ वयस्कों में या भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है।
अब हम लोग देखेंगे कि संघ और डेटा जो है उसमें लगभग 1,02,000 जो जातियाँ आती हैं उनको कैसे विभाजित किया गया है, उनमें कैसे वर्गीकरण किया गया है। पहले है एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। कॉर्डेटा संघ को दो भागों में बांटा गया है, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। जो एक क्रेनिएटा है इसमें सिर तथा क्रेनियम का पूर्ण अभाव तथा रीढ़ की हड्डी रहित होती है। जो एक क्रेनिएटा में जो जीव आते हैं उनमें क्या पाया जाता है, जो सिर होता है और क्रेनियम का, सिर में जो क्रेनियम होता है उसका पूर्ण अभाव होता है ना, तथा जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नहीं पाई जाती है। जो क्रेनिएटा होता है, जो क्रेनिएटा संघ होता है मतलब होता है, उसमें क्या होता है, कशेरुक क्रेनियम और रीढ़ की हड्डी होती है। तो एक क्रेनिएटा को पुनः दो भागों में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। तो एक क्रेनिएटा को दो भागों में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा होते हैं बाह्य कंकाल वाले जीव। यूरोकॉर्डेटा का मतलब क्या होता है, जिसमें बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा का मतलब होता है जिसमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। सिफेलोकॉर्डेटस जो होते हैं उसमें बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है। क्रेनिएटा संघ को फिर से, क्रेनिएटा जो है भाग है ना, उसको दो भागों में फिर से विभाजित किया गया है, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जो है जिसमें क्या होता है, जबड़ा अनुपस्थित होता है, और ग्नेथोस्टोमेटा जो होता है उसमें जबड़ा उपस्थित होता है। ग्नेथोस्टोमेटा को फिर से दो भागों में बांटा गया है, अधिवर्ग और टेट्रापोडास। अधिवर्ग में है ना, तो अधिवर्ग जो होता है वो दो प्रकार का होता है, मत्स्य जिसमें क्या होती है, पंख की उपस्थिति होती है, मत्स्य जो भाग होता है उसमें पंख की उपस्थिति होती है। और जो टेट्रापोडा होता है उसमें क्या क्या आते हैं, उभयचर आते हैं, सरीसृप आते हैं, पक्षी आते हैं और स्तनधारी होते हैं। मत्स्य जो होता है उसमें पंख की उपस्थिति होती है। वर्ग जो है वो प्लेकोडर्मी होता है, कॉन्ट्रिक्विथ होता है, ऑस्टिक्विथ होता है, और कॉनिक्विथ जो होता है इसका वर्ग होता है। नॉन कॉर्डेटा की तुलना में कॉर्डेटा जो है वो विकसित लक्षणों को प्रदर्शित करती है। ये कैसे हम लोग मान सकते हैं कि, क्योंकि ये सारे जो लक्षण होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं, शरीर के साथ विकसित आंतरिक कंकाल। जो शरीर है उसमें जो आंतरिक कंकाल होता है वो विकसित प्रकार का होता है, किसमें, कॉर्डेटा संघ में, नॉन कॉर्डेटा संघ में नहीं होता है। जो अत्यधिक दक्ष एवं श्वसन अंग, गिल्स और फेफड़े होते हैं, जो श्वसन अंग होता है किसमें, कॉर्डेटस में, जो कॉर्डेटा संघ के जंतु होते हैं उसमें किस प्रकार के होते हैं, गिल्स और फेफड़े होते हैं है ना। अत्यधिक दक्ष जो रक्त परिवहन तंत्र में विकसित हृदय होता है, जो रक्त परिवहन तंत्र जो होता है, जो क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो किस प्रकार का होता है, परिपक्व होता है ना, दक्ष होता है, और विकसित हृदय होता है। नॉन कॉर्डेटा की तुलना में अच्छे संवेदी अंग पाए जाते हैं, जिसका संवेदी अंग जो क्या होता है, बहुत ही उत्तेजित होता है, ठीक है, एक्टिवेटेड होता है। नलिकाकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, नलिका पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, जो कि तंत्रिका कोशिका को अधिक स्थान प्रदान करता है। विकसित अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है ना। समूह एक क्रेनिएटा को दो उपसंघों में विभेदित किया गया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो विभाजन देखे थे, जो वर्गीकरण हम लोगों ने देखा था, उन वर्गीकरण में कौन कौन से लक्षण होते हैं वो देखते हैं। पहला है उपसंघ यूरोकॉर्डेटा। संघ एक क्रेनिएटा था, उस संघ के दो उपसंघ हैं, यूरोकॉर्डेटा है जिसमें से पहला है। उस यूरोकॉर्डेटा में क्या होते हैं, इसमें जो जीव होते हैं वो समुद्री होते हैं, और कैसे पाए जाते हैं, या तो एक भी हो सकते हैं या फिर समूह में भी होते हैं। इस संघ के जो प्राणी होते हैं अपने शरीर के चारों तरफ एक कठोर कंचुक्टिनी या कवच स्त्रावित करते हैं, तथा शरीर इसका जो होता है वो खोल में बंद होता है। जो यूरोकॉर्डेटा संघ के जीव होते हैं वो कहाँ होते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं, एक संख्या में भी हो सकते हैं, एक से अधिक समूहों में भी हो सकते हैं। इनका जो शरीर का बाह्य आवरण होता है वो क्या होता है, कवच के रूप में होता है, और क्या पाया जाता है, स्रावित होता है, तथा जो इसका शरीर होता है, जो बॉडी होता है, वो खोल में बंद होता है। वयस्क में कॉर्डेटा के लक्षणों में केवल जो वयस्क होते हैं, मतलब जो मैच्योर्ड जीव होते हैं कॉर्डेटस के, उनमें क्या पाया जाता है, ग्रसनी में क्लोम दरारे होता है। प्रौढ़ में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। प्रौण का मतलब क्या होता है, वृद्धावस्था जो होता है उसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। इसमें केवल डिम्बको
लार्वा में विकसित होता है। डिंबक कुछ अंतराल में अथवा लार्वा, डिंबक किसको बोलते हैं, लार्वा को बोलते हैं, एक स्वतंत्र जीवन बिताते हैं। एक कुछ अंतराल तक, मतलब कुछ अंतराल तक वो लार्वा अवस्था में ही अपना जीवन यापन करता है। हृदय जो होता है वो नलिकाकार होता है तथा थोड़ी देर एक दिशा में तथा थोड़ी देर विपरीत दिशा में धड़कता है। उपसंग है यूरोकॉर्डेटा, है ना, उसको तीन वर्गों में फिर से विभाजित किया गया, जैसे एक रीनेटिय है उसको दो भागों में विभाजित किया गया था, है ना। तो पहला है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा को फिर से तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो ये कौन कौन से भाग हैं देखते हैं, लार्वेशिया ट्यूनिक अस्थाई, लार्वेशिया अवस्था बोलते हैं जिसमें जो ट्यूनिक होता है वो अस्थाई होता है, जो कवच होता है वो अस्थाई होता है। फिर है थैलीएशिया, जो ट्यूनिक है वो स्थाई होता है और कंटक विहीन होता है, कांटे नहीं पाए जाते, स्पाइन्स नहीं पाए जाते हैं। फिर है एसीडीएसिया, कंटक युक्त ट्यूनिक उपस्थित होते हैं। वर्ग है लार्वेशिया, लार्वेशिया जो होता है वो कंटक युक्त होता है, ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जीव होते हैं, पारदर्शक होते हैं और लार्वा के समान अपना जीवन यापन करते हैं। ये क्या होते हैं, समुद्री जीव भी होते हैं। इनमें एक स्थायी पूंछ होता है, इनके शरीर में, इन कॉर्डेटस में क्या होता है, स्थायी पूंछ होता है, नोटोकॉर्ड भी पाया जाता है, मस्तिष्क एवं तंत्रिका रज्जू पाए जाते हैं, इनमें दो क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, इनमें गिल्स में जो क्या होते हैं, फेफड़े में क्लोम छिद्र होते हैं। आवरण जो होता है वो टेस्ट या फिर चीर स्थायी नहीं होता है, जो उनका बाह्य आवरण होता है वो चीर स्थायी नहीं होता, परमानेंट नहीं होता है। इस वर्ग के जंतुओं में कायांतरण नहीं होता है। आहार नाल जो होता है वो यू आकार की होती है, जैसे उदाहरण है आइको प्ल्यूरा, एपेंडिडी प्ल्यूरा आदि। वर्ग है थैलेसिया, इस वर्ग के समूह विविध प्रकार के तथा स्वतंत्रता पूर्वक तैरने वाले या अकेले रहने वाले होते हैं। वयस्क जो जंतु होते हैं उसमें क्या होता है, नोटोकार्ड नहीं होता है और पूंछ नहीं पाया जाता है। इनमें कवच जो होता है वो हमेशा उपस्थित होता है, कवच में वर्तुल पट्टियाँ पाई जाती है, मतलब ये इस प्रकार का कवच होगा तो इसमें वर्तुल ऐसे पट्टियाँ पाई जाती हैं। इनके पश्च भाग में कोई भी उपांग नहीं पाया जाता है, जैसे कि उदाहरण है स्कल्पा, डोलियोलम आदि। फिर है तीसरा वर्ग एसीडीएसिया, इसमें क्या क्या लक्षण है, प्राणी जो होता है वो अकेले या समुद्र में जो चट्टाने होती है उनसे चिपकी हुई होती है। शरीर एक मोटे आवरण से ढका रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, टेस्टा बोलते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो ऊपर से मोटे आवरण से ढकी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं, टेस्टा। वयस्क में क्लोम छिद्र तथा गुच्छिकाएं पाई जाती है, इनमें बहुत से क्लोम दरारें पाई जाती है। क्लोम दरारें तो कॉर्डेटा संघ के महत्वपूर्ण लक्षणों में आता है। लार्वा में कायांतरण के समय इसमें अनेक रचनाएं जो होती हैं वो छिप जाती है, विलुप्त हो जाती है, लोप हो जाती है, उदाहरण के लिए हर्डमानिया, एसिडिया, सियोना नामक के जंतु आदि। फिर है सिफेलोकॉर्डेटा, दूसरा संघ है उपसंग सिफेलोकॉर्डेटा, किसका, एक रीनेटा जो था पहले कॉर्डेटा था, इसमें जो पहला है एक रीनेटा जिसको बोलते हैं, इसको दो भागों में विभाजित किया गया था, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा को फिर से तीन भागों में बांटा गया, जिसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग करेंगे सिफेलोकॉर्डेटा का। सिफेलोकॉर्डेटा के महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसमें बाह्य कंकाल नहीं पाए जाते हैं तथा इनमें केवल एक ही वर्ग सिफेलोकॉर्डेटा आता है, इसके उपवर्ग नहीं होते हैं। इनके क्या क्या लक्षण हैं, ये समुद्री किनारे पर बिल में रहने वाले जंतु होते हैं, समुद्र के किनारे जो जंतु होते हैं, बिल जो होती है वहाँ पे ये जंतु निवास करते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक फैला रहता है तथा ये स्थायी होते हैं। ग्रसनी जो होती है वो बड़ी होती है तथा कई गील छिद्रों युक्त होती है, जो ग्रसनी होती हैं वो बड़ी होती हैं और स्थायी होती हैं, और कैसी होती है, कई गील छिद्रों युक्त होती हैं। रक्त जो होता है वो रंगहीन होता है तथा जो संघ होते हैं उनके सदस्य में हृदयों का अभाव होता है। पृष्ठ पर नोटोकार्ड के ऊपर नलिकाकार तंत्रिका रज्जु भी पाई जाती है, जैसे एम्फियोक्सस, एसीमेट्रोनस उदाहरण है इसके आदि। ये आपका हमारा जो कॉर्डेटा संघ है उसमें दो भागों में विभक्त किया गया था, दो संघों में, एक रीनेटा जिसके लक्षण हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं, है ना। अब आगे आने वाले वीडियो में आपको इस जो वीडियो था इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, संघ आर्थ्रोपोडा के उदाहरण,
है ना, मोलास्क, सॉरी आर्थ्रोपोडा मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा के बाद देखा था हम लोगों ने कॉर्डेटा। कॉर्डेटा संघ में हम लोगों ने दो उपवर्गों के बारे में पढ़ा, उपसंघों के बारे में पढ़ा, जिसमें था एक्रिनिएटा और क्रेनिएटा। तो एक्रिनिएटा कितने भागों में बटा हुआ है, फिर से दो भागों में बटा हुआ है, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को फिर से तीन भागों में विभक्त किया गया है, जिनके लक्षण और जिनके उदाहरण हम लोगों ने इस वीडियो में देख चुके, पढ़ चुके, अध्ययन कर चुके। आई होप आपको जितने भी टॉपिक्स थे आज इस वीडियो के माध्यम से वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संघ कॉर्डेटा के उपसंघ एक क्रेनिएटा के बारे में अध्ययन करेंगे। सीजी शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।